नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। आसमान में उड़ रही मौत और जमीन पर लोगों की रेव पार्टी, और फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। अचानक आसमान से उतरे मौत के सौदागर, आतंकियों ने मचाया ऐसा कत्लेआम, हर तरफ मच गई चीख पुकार और मातम में बदल गया युवाओं का जश्न। इसराइल में समंदर किनारे कुछ युवाओं की मौज मस्ती चल रही थी। कुछ लोग अपनी ही मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे, तभी अचानक आसमान से मौत बरस पड़ी। ये वीडियो इसराइल का बताया गया, जहां मौज मस्ती करने वाले कुछ युवाओं के लिए ये जिंदगी की आखिरी पार्टी साबित हुई। यकीन नहीं हो रहा है तो जरा ध्यान से देखिए ये वीडियो, जिसमें साफ देखा जा सकता है एक तरफ समंदर किनारे कुछ युवाओं की मौज मस्ती, नाच गाना चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में तेज हलचल हो रही है। पार्टी कर रहे लोगों के ठीक ऊपर कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। पहली नजर में कुछ भी समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि आसमान से मौत उड़ती हुई आ रही है और ये सभी लोग इससे बेखबर है। जहां एक रेव पार्टी चल रही थी, वहीं आतंकवादी पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। पैराग्लाइडिंग करते हुए हवा को चीरते हुए इसराइल में घुसने वाले ये आतंकी इन युवाओं पर मौत बनकर डूबे। समंदर किनारे पार्टी में नाचते नजर आ रहे इन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जश्न जल्द ही मातम में बदलने वाला है। उनको पता ही नहीं कि उनके देश पर हमास के खूंखार आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आसमान से आई ये मौत के सौदागर पार्टी में उतरे और लोगों पर काल बनकर टूट पड़े। न जाने कितनों की हत्या कर दी, कितनों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये रही कि समंदर किनारे पार्टी कर रहे ये लोग अपनी मस्ती में इस कदर चूर थे कि वो हवा में आतंकवादियों को देखने के बाद भी पार्टी करते रहे, नाचते रहे, गाते रहे काफी देर तक। फिलिस्तीनी आतंकियों ने रेव पार्टी में घुसकर ऐसा कहर बरपाया जिसके बारे में इसराइल ने कभी सपने भी नहीं सोचा था, और जब तक इसराइल कुछ समझ पाता, कर पाता, आतंकी मौत की होली खेल चुके थे। इससे पहले भी हमास ने अपने आतंकवादियों के पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके उड़ान भरने और उतरने की ट्रेनिंग का एक वीडियो तक जारी किया था। बाकायदा उन्होंने जारी किया था कि अब हम लोग इस तरह के ऑपरेशंस में एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन इसराइल को इस खतरे की भनक तक नहीं। आज पूरा इसराइल लहूलुहान, 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 3,500 से ज्यादा लोग घायल हैं, लापता लोगों की तो संख्या का भी पता नहीं। इसराइल के ऊपर फिलिस्तीनी आतंकियों के हमले को 48 घंटे का वक्त बीत चुका है। शनिवार सुबह से हो रही दोनों देशों के बीच जो लड़ाई थी वो घमासान, वो लगातार जारी है। शनिवार सुबह हमास के आतंकियों ने इसराइल पर 24 घंटे में 5,000 रॉकेट दागे और इसराइल की सीमा में घुसपैठ की। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध शांत भी नहीं हुआ था कि एक नए युद्ध ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि युद्ध किन्हीं भी दो देशों के बीच हो, उसके रिपरकशंस, उसका असर, उसकी आंच पूरी दुनिया को झेलनी पड़ती है। हमास फिलिस्तीनी आतंकवादियों और इसराइल के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। खबर मिली है कि आतंकवादी इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इन आतंकियों की बर्बरता के सबूत दे रहे हैं, और ये युद्ध भी अब जल्द खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इसराइल की सड़कों पर हथियार लहराते कई आतंकवादी बेधड़क बेखौफ घूम रहे हैं, जो हाथ लग जाए उसी को निशाना बना रहे हैं, इसराइली नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अब युद्ध का ऐलान कर दिया है और कहा है इसराइल किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन को माफ नहीं करेगा और इस नुकसान की पूरी कीमत वसूल करेगा। इसराइली लोगों को बंधक बनाने के पीछे भी हमास के आतंकियों की गहरी चाल है। दरअसल वो इसराइल के जो नागरिक जो बंधक बनाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर अपने कैदियों को रिहा कराना चाहता है जो इसराइल की जेलों में बंद है। इसीलिए लगातार हमलों के बाद भी वो इसराइली नागरिकों को न सिर्फ मार रहा है बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बंधक भी बना रहा है। फिलिस्तीनी आतंकियों ने दोनों देशों की सीमा पर बनी दीवारों को भी तोड़ दिया है और इसराइल में घुसकर जबरदस्त कहर बरपाया जा रहा है। अब आगे चलकर ये युद्ध कितनी और भयावह, भयानक तस्वीर पेश करेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बहरहाल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।